गिफ्ट में मिले 450 करोड़ के बंगले से सामने आई ईशा अंबानी की पहली तस्वीर, देखते रह जाएंगे। डंडा। साल 2018 की सबसे बड़ी शादी संपन्न हो चुकी है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शाही शादी 12 दिसंबर को संपन्न हुई। इस शादी में सब कुछ खास था, दुल्हन के लिबास से लेकर शाही मेहमान तक, शादी के वेन्यू से लेकर फंक्शन तक। ईशा अंबानी की शादी जब इतनी खास थी तो शादी में मिले तोहफे भी बेहद खास होंगे। शादी में आनंद के परिवार ने ईशा को तोहफे में 452 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया। इस बंगले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई और अब शादी के बाद इस बंगले से ईशा की पहली तस्वीर सामने आ गई है। 450 करोड़ के बंगले से ईशा अंबानी की पहली तस्वीर। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों ने इन तस्वीरों को खूब पसंद किया। अब इस बंगले से ईशा अंबानी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में ईशा लाल रंग के गाउन में नजर आ रही है। शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के लिए खास पार्टी अपने नए घर पर होस्ट की थी। ये तस्वीर उसी पार्टी के दौरान ली गई थी। ससुर ने किया गिफ्ट। ईशा के ससुर अजय पीरामल ने अपने बेटे बहू को शादी पर 450 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला गिफ्ट किया था। शादी के बाद ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ इसी आलीशान बंगले में शिफ्ट हुई है। ये 5 मंजिला बंगला मुंबई की महंगी और खूबसूरत लोकेशन वर्ली पर स्थित है। इस बंगले से अरब सागर और बांद्रा वर्ली सीलिंग का खूबसूरत नजारा दिखता है। बंगले का नाम गुलिटा रखा गया है। 50,000 स्क्वायर फुट में फैला है आलीशान बंगला। ईशा अंबानी का ये बंगला 50,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इसे 2012 में पीरामल ग्रुप ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से खरीदा था, जिसके बाद इसे डायमंड थीम पर रिनोवेट किया गया। इस 5 मंजिला बंगले में 3 बेसमेंट हैं, इनमें से 2 सर्विस और पार्किंग के लिए हैं। पहले बेसमेंट में लॉन, वाटर पूल और एक मल्टीपर्पज रूम है। बंगले में एंट्रेंस लॉबी, लिविंग, टेम्पल, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज रूम और बेडरूम है। हर फ्लोर पर लाउंज और सर्विंग क्वार्टर हैं। इस बंगले को इंग्लैंड के इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया है।